स्टार्टिंग फोर्टी परसेंट Coming? Yeah. Hi. Wait for some more time. Okay. मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है. Chef, say hi to your friends. Hi. People are coming? Yes. Huh? How many? So many. Hi everyone. Hi. Hi. Life's not clear. दे आर आस्किंग कहाँ है आप. यहाँ मैं. हाय एवरीवन. ग्रेट साउंड इज परफेक्ट. प्लीज कमेंट. आवाज नहीं आ रही है. हेलो एवरीवन. नो ओके साउंड इज क्लियर. सो हाय एवरीवन. Very good afternoon. This is the Amul Space. I am Chef Arvind Ding from Panchavati Holiday Resort, Howrah, West Bengal. And thank you for Amul for the great opportunity for this Amul platform. And thanks to Amul viewers who are watching on the Amul Life FB Homemade Recipe. And thank you to all my colleagues and my FB friend and my company owner, Mr. Anand Chaudhary and Mr. P.S. Prasad Singh, and my company GM, Soikot Bural, and HR, Swami Sadhu. So, let's start today our recipe. Usse pehle, hum log bolna chahenge, Amul. हम लोग बोलना चाहेंगे ये चीज जमुल आज दो महीने से भी ज्यादा अमूल लाइव कर रहे हैं, शो कर रहे हैं लाइव, जिसमें से हर घर पे हर होटल का सेफ जाके परफॉर्म कर रहा है लाइव में. और आप लोग जो लॉकडाउन में थे, अभी बहुत सारा जगह पे लॉकडाउन उठ जा रहा है, तो भी सब कोई घर में भी है, अभी तक कोई फ्रिक्वेंसी मेंटेन कर रहा है अपने आप पे. और मैं बोलना चाहूंगा सब कोई को कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है. और कैसे करके लड़ना है, लड़ना है इससे जो आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और क्या है, सैनिटाइजर लगाना है. लेकिन खाने बनाने के टाइम सैनिटाइजर नहीं लगाने का, और कोरोना को मार भगाना है इस तरह से. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू रेसिपी. इट्स अ ट्रेडिशनल रेसिपी बट आई एम सम फ्यूजन. मैं कुछ फ्यूजन किया हूँ उसको, ठीक है. तो आज का रेसिपी है पनीर ग्रिल स्टिक रैप इन बनाना लीफ विथ मखानी ग्रेवी. तो सो स्टार्ट. सबसे पहले और एक सवाल था सबसे सबको ही कर से, आप कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं. आप बोल सकते हैं कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ियां नहीं होते, मतलब कोई फर्नीचर नहीं बना सकते, मैं कुछ नहीं बना सकते, बोल सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें. तब तक मैं आपको बना रहा हूं, फिर इसके बाद में आपका आंसर मैं बोलूंगा, ठीक है. तो सो फर्स्ट फॉर आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा ले. देख लग रहा बहुत सारा सामान है, लेकिन आप सब कुछ घर में ही बना सकते हैं. अमूल का जो मैं प्रोडक्ट लिया हूं, बटर, अमूल काओ घी, अमूल क्रीम एंड फ्रेश अमूल पनीर एंड चीज एंड मिल्क.
सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा हम लोग एक सॉस पैन लेंगे, उसका थोड़ा गरम करेंगे। जानते हैं अमूल आज से नहीं, बचपन से हमारा साथ है, और मेरा बचपन से साथ नहीं, पापा का बचपन का साथ उससे भी पहले से, आज अमूल इंडिया हम लोग का साथ है। तो हम लोग थोड़ा 2 चम्मच घी लिए, दे आर आंसरिंग योर कमेंट्स दैट बनाना। ओके, सम आर कुछ आंसर्स, बनाना नॉट बनाना ट्री एंड, और घी, जो घी है हमारा गर्म हो चुका है, और सम फ्यूजन हम लोग कर रहे हैं। तो मखाने के भी ट्रेडिशनल टोमेटो ग्रेवी बेस है, बट इसमें थोड़ा फ्यूजन करेंगे, थोड़ा क्वांटिटी भी जाएगा, थोड़ा सा इंडियन जाएगा। और जो है बनाना लीफ है, तो जानते हैं साउथ में भी बनाना लीफ से बहुत सारे खाना बनता है, बंगाल में भी बनता है, तो हम लोग आज इसमें यूज करेंगे। पहला जो चीज है, जो हम लोग मखानी ग्रेवी रेडी करेंगे, तो मखानी ग्रेवी के लिए पहला हम लोग को चाहिए रोजमेरी, जो मैंने घी लिया उसमें थोड़ा सा रोजमेरी लूंगा मैं, रोजमेरी डाला हूं, और ये खूब इजी ग्रेवी है, जो आप सारे चीज एक जगह डाल दिए और इसको पकाए, फिर इसको आप पेस्ट करें। तो मैंने पहला इसमें लूंगा टमाटर, जो रापली चॉप किया है मैंने, मैं मैंने प्याज ऑनियन दिया हूं मैंने, इसमें मैं थोड़ा सा भिगो के रखा था काजू, इसमें काजू दिया, थोड़ा मिर्चा, ग्रीन चिली, कश्मीर चिली है जो मैंने इसमें भिंगो के रखा था पानी में, तो मैं डालूंगा। अब बाजार में जब भी जाएंगे तो अच्छा से देख के कश्मीरी चिली खरीदेगा, जो फ्रेश है एकदम रेड कलर का होगा, उसी को डालिएगा। एंड सम सॉल्ट, मैंने यहाँ पे थोड़ा जिंजर लिया हूं, रफली चॉप करके मैं जिंजर दे दूंगा इसमें, गार्लिक, सम गार्लिक, डू वी यूज चिली विथ ऑल सीड्स? नो, चिली को चिली से आपको सीड निकाल के भिंगोना पड़ेगा, फिर मैंने इसमें दिया गार्लिक। अब इसको थोड़ा सा पानी देके को बॉयल करना है, करीब 20 मिनट्स इसको बॉयल करना है, और ये बॉयल करने के बाद ठंडा करके इसको पेस्ट करना है। चिली को कितना घंटा सोक करना है? 10 to 15 मिनट्स इनफ फॉर
कश्मीर चिली एंड इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, इसको मैंने दूसरा स्टोव में बिठा दिया ओवन में। ये तो कमेंट सारा चला है कौन सा पेड़ से, तो आप लोग जानते हैं तो केले के पेड़ जो है उससे सारे चीज बनते हैं, उसका जो पेड़ के जो पत्ते हैं उससे तो हम लोग रैप करके कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसा बंगाली लोग पीस में बनाते हैं कुछ, पनीर में भी बना सकते हैं आप, हाँ तो सारे खाने भी खाते हैं हम लोग केले के पत्ते के ऊपर, तो उसका अलग एक कोई टेस्ट होता नहीं है, लेकिन जब वो खाते तो एक अच्छा स्मेल निकलता है फ्रेशनेस का, तो वो इस चीज़ का केले केले तो हम लोग खाते हैं और उसके साथ केले का जो फूड है उसमें भी हम लोग कुछ खाना बनाते हैं। तो ठीक है, लेट्स नेक्स्ट जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है स्टिक। स्टिक के लिए मैंने पनीर लिया हूँ क्यूब कट के, ऐसा करके, और आप क्यूब करके ऑनियन टोमेटो एंड कैप्सिकम एंड येलो बेल पेपर। तो पहले हम लोग लेंगे इसमें थोड़ा सा दही, हैंग कट जिसको बोलते हैं, हम लोग हैंग कर दिए थे इसको पहले से, थोड़ा सा पानी इसको स्ट्रेन कर लिया हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग देंगे इसमें दही, सम चीज, चिली पेस्ट, ग्रेवी प्रोसेस प्लीज रिपीट, मैं इसमें कोरिएंडर पेस्ट लिया था, तो मैंने पहले ही ये कोरिएंडर और मिंट को थोड़ा पेस्ट कर रखा था, ये जो है पनीर जो स्टिक है उसको मैरिनेट करने के लिए, तो ये पहले से आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा देंगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट, जरा सा, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रॉक सॉल्ट सम, एंड कश्मीरी चिली पाउडर। विच चीज? अमूल नॉर्मल जो है प्रोसेस चीज, प्रोसेस चीज लेना है। Can we use bitter leaf? तो देख रहे हैं ये मिक्सर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर, ऑनियंस, कच्चा आम कैन वी यूज इन चटनी? नो, इसमें थोड़ा बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर डाल दिया मैंने, और इसको ठीक से इसमें मैरिनेट करना है। टमाटर भी डाल सकते हैं आपको, अगर टमाटर खाना नहीं चाहिए तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई बात नहीं है। नेम ऑफ द डिश वन मोर टाइम,
तो ये मेरिनेशन हो चुका है तो इसको कुछ देर रखना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग लाइव है तो हम इसी में दिखाएंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको साइड करके स्टिक लेंगे। अब कोई भी स्टिक लग सकता है, मैं ऐसा स्टिक लिया हूँ इस टाइप का, और एक लिया हूँ इस टाइप का। तो इसको मैंने कट कर थोड़ा स्टाइल कर दिया इसको, और अब देख रहे हैं मैंने बनाना लीव लिया हूँ। ये बनाना लीव है जो थोड़ा सा मैंने स्टीम कर लिया क्योंकि इसको फोल्ड करने में आसानी होगी। They are saying the paneer is doesn't look like Amul paneer. So obviously this is Amul platform. I am using Amul paneer. And some add some cream also. You can use or not. Can chef can saffron be added? No, this is a flavor of mint. So we can not. तो अच्छा से इसको मिक्स कर लेते हैं, और लगता है आपको और थोड़ा सा इसमें से ग्रीन जो कोरिएंडर है उसको और थोड़ा सा देना है तो आप दे सकते हैं थोड़ा सा। और मैंने और थोड़ा सा दिया कलर थोड़ा सा और ग्रीनिश लगे। और मैंने ये डिश में मखानी ग्रेवी और ये कोरिएंडर में क्यों रखा, क्योंकि पनीर का जो टेस्ट है जब मैंने रैप करूंगा इसको और इसको जो खोल कर मैं मखानी ग्रेवी से खाऊंगा तो दो टेस्ट आएगा। एक है मिंट का फ्लेवर आएगा, और जो मेरा फ्यूजन है फ्यूजन ग्रेवी मखानी फ्यूजन ग्रेवी उसका टेस्ट अगला आएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले हम लोग एक अनियन ले लेते हैं पहले इसको, फिर एक पनीर ले देते हैं, मैंने चार एक स्टिक में चार पनीर डाल रहा हूं मैं। येलो वेल पेपर दिया मैंने इसको, फिर एक पनीर लिया मैंने, एक कैप्सिकम्स, आखिर में एक और पनीर, और मैं क्लोज करूँगा इसको ऐसा। ठीक है, और इस साइड पर ऐसा भी मैंने स्टिक में लिया, इसमें तो छोटा है ये तो छोटा सा भी बना सकते हैं आप। कैन वी यूज एनी अदर लीफ? नो एक्चुअली हाँ ले सकते हैं, और स्पिनाच भी ले सकते हैं, स्पिनाच भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो फ्लेवर स्पिनाच में नहीं आएगा। जो आप ये केले के पत्ते के जो जो टेस्ट में आएगा जो स्टीम करने के बाद, वो दूसरा किसी में नहीं आएगा। किचन सेटअप इज नाइस, थैंक यू सो मच। डू यू हैव अ होम वेजिटेबल गार्डन? ग्रीन्स सीम्स टू बी फ्रेश। या तो ये देख रहे हैं हम लोग ऐसा भी कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको रैप करूंगा। मैंने केला पत्ता लिया। मोनी बनवार इज वाचिंग एंड सेइंग हाय। हाय। सोनल मेहता इज सेइंग लुक्स यमी एंड प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आप लोग देख रहे हैं कैसे कर मैं रैप कर रहा हूँ उसको। उसको रैप करना है बस, देखिए जैसा ऐसे ही रैप करना, कोई रस्सी बा कोई धागे से नहीं बांधना इसको। ठीक है, देख रहे मैंने ऐसा कुछ रैप किया हूँ।
ऑलमोस्ट मैंने कुछ इस तरह का से उसको रैप कर चुका हूँ। सिंपल रैप है, आपको पनीर को स्टिक में घुसाना है और उसको बनाना रैप में मोड़ के रखना है। जो मैंने जो चीज दिया इसी में ये बाइंडिंग होकर रह जाएगा, तो इसका अलग से कुछ आपको करना दरकार नहीं है। हम लोग देखते हैं मेरा बेबी कितना दूर रेडी हुआ है। देख रहे हैं ये पक रहा है और थोड़ी देर बाद इसको ठंडा करके पेस्ट करना है। There are so many new viewers, so just say hi to everyone. Hi everyone. They loved your rapping. Looks so yummy. Marination repeat please, everyone are saying. Please rap in front of us, you have already rapped. Okay, मैं दोबारा भी दिखा दूंगा उसको, ठीक है। और मेनेशन जो है सिंपल है, आपको दही लेना है, कर्ड लेना है, हैंग कर्ड, और उसमें से चीज डालना है, सॉल्ट पेपर डालना है उसमें से, सॉल्ट पेपर भी नहीं डाला तो थोड़ा रेड चिली पाउडर उसमें डालिए, और कोरिएंडर और मिंट पेस्ट उसमें डालिए, और क्रीम अमूल क्रीम उसमें डालिए, और उसको अच्छा से मिक्स करके जो आपका है पनीर, जो है पनीर ऑनियंस एंड टोमेटो एंड बेल पेपर जो है उसको मिक्सअप करके उसको थोड़ा देर रखिए, ठीक है। तो दोबारा मैं फिर एक दिखा रहा हूँ रैपिंग आप लोगों को। इंस्टेड ऑफ रैपिंग कैन वी डायरेक्टली ग्रिल इट? यस। तो मैंने फिर से एक आप लोगों का सवाल के लिए मैंने फिर एक स्टिक लिया इस तरह से। थैंक यू एवरीवन। मैरिनेशन हैज टू स्टे फॉर हाउ लॉन्ग? सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने फिर डाला इसको इस तरह से। Did you add ghee or oil on the banana leaf? No. What is the reason behind wrapping in banana leaf? So, ये इसलिए है जिसको जो फ्लेवर है इसी के अंदर रह जाएगा। जब आप खोल के इसको कहिएगा तो इसका अलग पूरा जो मिंट का फ्लेवर है ये पूरा उभर आएगा इसमें से। तो हम लोग इसके बाद हम लोग ग्रिल करते हैं। एनी स्पेसिफिक साइड ऑफ द लीफ? नो। हम लोग ग्रिल करेंगे। हम लोग फ्राई पैन ऑलरेडी ग्रिल फ्राई पैन ले चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा बटर, अमूल बटर और सिर्फ बटर। आप लोग घी भी यूज कर सकते हैं इसको। Can this mixture use for the chicken or lamb, anything like that? हाँ, सेम चीज में आप कर सकते हैं। Look yummy, looking so delicious. अब देख रहे हैं जितना सारा ये है तो इस तरह सा ग्रिल करना है। Is
दिस पनीर टिक्का? नो, पनीर टिक्का डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, दिस इज पनीर स्टिक. तो आज में इसको स्टीक जस्ट ग्रिल करना है. किसी को और कुछ जाना तो बोल सकते हैं. कैन वी यूज एयर फायर और स्टीमर रादर देन ग्रिलिंग लाइक दिस? हाँ, आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रेसिपी में पहले मैंने ग्रिल बोला है, तो मैंने इसलिए ग्रिल फ्राई पैन यूज किया हूँ. यू कैन ऑल्सो स्टीम. हैव यू स्टीम्ड योर लीफ बिफोर यूजिंग? No. Oh, using. Before using, have you steamed? Steam कर चुका हूँ मैं इसको पहले से थोड़ा सा. इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का से घुमा दे जो चारों तरफ से पक जाए. फ्लेम इज मीडियम इन ग्रिलिंग. मीडियम में ही रखना चाहिए इसको, क्योंकि नहीं तो आपके जल जाएगा अंदर से. अच्छे से जो है आपका मेहनत थोड़ा सा पकेगा नहीं. इनोवेटिव आइडिया, एवरीवन इज सेइंग इनोवेटिव आइडिया. मैंने स्टीम करते करते थोड़ा मैंने सेटअप थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं. What are you boiling in a pan in water? मखानी जो फ्यूजन मखानी ग्रेवी वो मैंने उसमें कर रहा हूँ ऑलमोस्ट. देख चुके हैं ऑलमोस्ट डन. अब इसको ठंडा करके प्यूरी करना है. ऑलमोस्ट हमारा टमाटर जो है गल चुका है. अब इसको हम लोग ठंडा करने के लिए दे दें. बटर का टेस्ट नहीं है. ऑलमोस्ट हो चुका है. वेयर यू वर्क? अब देख रहे हैं बटर को जो है फ्लेवर ऊपर आ रहा है, अंदर का चीज का जो फ्लेवर है बाहर पे थोड़ा आ रहा है उसका भी. इसको हम लोग साइड करेंगे थोड़ा सा, इसको दूसरा आंच में इसमें देंगे इसको. हल्का आंच में दे दे तब तक वो गर्म रहे. और हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो देखें. हाय रूपा गुप्ता, हाय शुभम जैन,
एंड सुजाता अरोरा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अलका, थैंक यू अलका, एंड नेक्स्ट जो है जो ग्रेवी को बनाना है हमारा, प्लीज रिपीट व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स यू हैव टेकन इन द पैन, जस्ट टू रिपीट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल दे हैव मिस्ड द बिगिनिंग, जस्ट रिपीट द इंग्रेडिएंट्स यू हैव एडेड इन द पैन टू मेक द मखानी ग्रेवी. मखानी ग्रेवी में सिंपल है, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी है और वो ग्रेवी में आपको थोड़ा सा मेरा जो फ्यूजन ग्रेवी है उसमें मैं बोलता हूँ, थोड़ा इसको गर्म करने दे. जो है मखानी ग्रेवी में आपको पहला मैं फ्यूजन क्या हूँ, तो कोई गरम मसाला नहीं, कोई वे नहीं है, मैंने थोड़ा सा अमूल घी लिया हूँ, काऊ घी, और उसमें थोड़ा सा रोजमेरी दिया हूँ, रोजमेरी दे के उसमें मैंने ये क्या है मखानी ग्रेवी ना, सब इंग्रीडियंट्स एक साथ आप डाल दें और बॉयल करके उसको पेस्ट कर लें, फिर आप उसको तड़के में डालें, ठीक है. तो सेम चीज़ें मैंने उसमें डाला, अनियंस, टोमेटो एंड काजू नट एंड कश्मीरी चिली होल, हाँ, और उसमें से जिंजर गार्लिक मतलब मैंने थोड़ा सा काट के उसमें डाल दिया और उसको मैंने स्टीम में उठा दिया, तो ऑलरेडी स्टीम हो चुका है, अब मैंने उसको पेस्ट भी कर चुका हूँ, पहले से मैं रेडी कर चुका हूँ, ये देखते हैं, ये नाइस कलर आया है एक, देख चुका हूँ. फ्राई पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा मैं हमेशा तीन चीज डालता हूँ मेरे खाने पे, जो है अमूल बटर, बटर एंड बटर. थोड़ा सा मैं घी ले लूंगा, अमूल घी थोड़ा सा, जो बटर ना जले. मैंने फिर से रोज मिल लूंगा मैंने इसमें, मैं थोड़ा मैं रोज मिल लूंगा उसको थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा फूट लूंगा, ठीक है. पहले मैं गार्लिक पेस्ट, गार्लिक आपको जाने सब खाने का जान है गार्लिक, तो आप गार्लिक नहीं भी दे सकते हैं, जिंजर भी दे सकते हैं, आपको अगर गार्लिक पसंद नहीं है. इफ दे डोंट हैव रोजमेरी कैन दे स्किप इट, हाँ स्किप भी कर सकते हैं. इसमें मैं थोड़ा सा रोजमेरी पाउडर डालूंगा, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा जस्ट फॉर कलर, एंड कश्मीरी चिली पाउडर, सम क्यूमिन पाउडर, मैं जो ग्रेवी है देखना है, मखनी ग्रेवी का जो पेस्ट बनाया मैंने, रिपीट किया मैंने दोबारा भी, वो इसमें डालूंगा. तो इसको चलाते रहना है क्योंकि ग्रेवी जो किया है ना, चला ये बहुत तेज आंच में नहीं पकते हल्का, तो ये
उबाल आएगा, उबाल आते आते आपको बाहर आ जाएगा इसको, इसलिए थोड़ा रुका इसको चलाते रहना चाहिए, नहीं तो आपका हो जाएगा किचन गंदा, फिर परेशानी। फिर से साफ करो। ओके, यू हैव अगर आपका सॉरी जस्ट मैं इसको तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे देता हूँ आपका स्वाद अनुसार आप सॉल्ट दीजिए। अगर आपके पास रोजबेरी ना हो तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं इसमें से चीज डालूंगा, देख रहे हैं कैसे उबाल रहा है, उसका चलाते रहना चाहिए। अमूल चीज मैंने यूज किया है इसमें, तो इससे अच्छा दोस्ती किसी के पास नहीं होगा शायद। अमूल का जो चीज़ है प्रोसेस चीज़, उससे मेरा नाता बहुत अच्छा है, तो मैंने अमूल चीज़ यूज़ किया पूरा प्रोसेस चीज़। मैंने क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, लव द कलर लुक्स यम, थैंक यू। और अमूल मिल्क इसमें डाला, तो जितना सारा इंग्रेडिएंट था अमूल का तो मैंने ये खाने पे यूज किया हूँ। अब इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे हल्का आंच में, ऑलमोस्ट हमारा जो ग्रिल है वो ऑलमोस्ट डन हो रहा है, जो पनीर स्टिक है ऑलमोस्ट देख रहे हैं ग्रिल हो चुका है। थैंक यू सोमा, थैंक यू स्मजीत, रूपा गुप्ता, बिमला गुप्ता, थैंक यू। मैं थोड़ा सेटअप चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद मेन प्लेटिंग का बाद ही आएगा। ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख रहे हैं। अब इसको हम लोग बंद कर दें, अब ऑलमोस्ट ग्रेवी रेडी, जो स्टिक है हमारा स्टिक भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे प्लेटिंग, तो प्लेटिंग के लिए हम लोग ऐसा एक प्लेट लिया है, दो तरह से प्लेटिंग करेंगे हम लोग, एक है ये प्लेट में और ये है ग्लास ग्लास में, जो देख रहे हैं ये ग्लास, ये मैंने घर पे बनाया है,
लकड़ी को ऐसा करके एक छेदा करके मैंने ग्लास खरीद के तो मैंने फिर लूंगा ग्रेवी इसमें। ग्लास में भी ऐसा डाला है तो अब सिंपल प्लेट में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। खाने का मेन चीज है जो टेस्ट वो बरकरार रहना चाहिए, गार्निश जैसे भी हो बा प्लेटिंग जैसे भी हो, क्योंकि हम लोग होटलियर है तो हम लोग को थोड़ा सा रहता है प्लेटिंग करने का स्टाइल। This is just plating. You can use glass or plate, whatever you want. और आप सबको जानते हैं, मैंने गाने सुन के लिए सामने ले जाता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें से ग्रेवी जो है प्लेटिंग के लिए लेता हूँ। मैंने थोड़ा सा बीटरूट का मैंने प्यूरी बनाया था तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा जस्ट फॉर प्लेटिंग। प्लेट कर देना है ऐसा, जो आप देख रहे हैं मैंने स्टिक को मैं डाल रहा हूं। मैंने एक बनाना लीफ खोल के दिखाइए। जरूर, ठीक है, दिखाते हैं आपको। प्लेटिंग कर चुका हूँ कंप्लीट। ऑफ कोर्स मैं आपको पूरा चीज दिखाऊंगा खोल के भी। तब मैं आपको थोड़ा सा गार्निश प्लेटिंग कर लो।
प्लीज अनरैप। तो मैंने थोड़ा सा गार्निश बनाऊंगा इसको। मैं कैरेट का ये चीज बनाया हूँ, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको, ये मैंने जो अगर पुदीना का चटनी मिंट का चटनी मैंने बनाया, जो कोरिएंडर का जो ग्रीन चटनी बनाया मैंने इसको यूज़ किया, तो मैंने इसलिए इसको फ्रेश लीफ से डेकोरेशन कर रहा हूँ। ढेर सारा धनिया पत्ता आप दे सकते हैं। मैंने क्रीम दिया अमूल का क्रीम थोड़ा, और इसमें आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा एक प्रिपरेशन रेडी है, एक प्लेटिंग ऐसा सर्व कर सकते हैं आप। Another plating is मैंने ग्लास में डाला है। मैंने रेड चिली लिया थोड़ा सा चिली, इसमें डालूंगा रेड चिली। मेन फूड का ये चीज है, जब आप सजावट तो कुछ देर के लिए रहता है लेकिन टेस्ट आपको रखना पड़ेगा अच्छा से, क्योंकि टेस्ट के ऊपर डिपेंड है पूरा आपका खाना। तो डेकोरेशन के ऊपर मत ज़्यादा जाइए। मैंने कुछ फ्लावर्स रख मेरे गार्डन में थे, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा फ्रेश पत्ता था मेरे गार्डन में, मैं इसको यूज़ किया थोड़ा सा उसमें। देख रहे हैं इस टाइप का आप गार्निश दे सकते हैं, ग्लास में। और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम भी दे सकते हैं, क्रीम सम क्रीम। तो ये हमारा जो है पनीर ग्रिल स्टिक रैप विद बनाना लीफ विद मखानी ग्रेवी, फ्यूजन मखानी ग्रेवी है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देख रहे हैं मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके एंड आपको किसी को भी कोई सवाल अगर हो तो आप बोल सकते हैं। और एक बात सबको बोलता है, हर आदमी के कामयाब का पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आज जो है
ये कैमरा के पीछे मेरे मिसेस का हाथ है, तो देख रहे हैं वो कंटिन्यू मेरे साथ ये डेकोरेशन का जो वीडियो कर रही है, ये खाने का जो वीडियो कर रही है मेरे मिसेस कर रही है। थैंक यू फॉर दिस। एंड आप ये मेरा खुद का, मैं यूट्यूब चैनल में भी हूँ और फेसबुक पेज भी ये मेरा है सेफ अरविंद दिन बोल के। तो आप ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, जब प्रोसीड्यूर है, सब आप देख सकते हैं। एक वीडियो मेरा खुद का चैनल भी है। थैंक यू टू अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस फोरम। और ये अच्छा खाना जो है आप लोग सबको ट्राई करिए, इजी है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे ही है, ये सारे चीज़ आपके घर से ही आप इंग्रेडिएंट्स लेके बना सकते हैं। थैंक यू अमूल।